Uh, we are privileged to be joined with us a uh, very respected uh shri somnath dinayak sir from iit kanpur sir is an mtech from iit kanpur and uh, is a technical superintendent material science lab at the iit kanpur sir has designed various instruments and laboratory setup for various research projects related to research scholars of material science program at iit kanpur sir is passionate for experiments design and do experiments from school level to research level sir is also a very prolific hindi writer and poet and member of the editorial board of antas, a hindi magazine at iit kanpur. Sir, sir's uh, uh, written articles have appeared in various international and national journals, such as write science, Artic sir, write science articles for research materials, uh, research matters, i'm sorry, which is an initiative of the very prestigious iisc bangalore. sir, uh, for, uh, on behalf of CSVTU Bhilai vishudala engineering college, ambikapur,

ताकि मैं इस संस्थान को इस देश को और कुछ अच्छा दे सकूं और कुछ बेहतर प्रदान कर सकूं तो यहाँ प्रोफेसर एम के वर्मा ऑनरेबल वाइस चांसलर सी एस भिलाई कर्नल बी वेंकट डॉक्टर के के वर्मा रजिस्ट्रार सर एंड प्रोफेसर राम नारायण खरे द प्रिंसिपल ऑफ पी अंबिकापुर डॉक्टर रोमिन यू ऑल्सो एंड ऑल दार्टिसिपेट ऑफ दिस प्रोग्राम आप सभी को मैं नमस्त, नम, सादर नमस्कार करता हूं और तकनीकी शिक्षक एवं प्रशिक्षक जो कि आधार है हमारे भारतीय तकनीकी के विकास का उन सभी को मेरा विनम्र अभिवादन जैसे कि अभी डॉक्टर थॉमस ने बताया कि मैंने एमटेक के साथ में यहां से दो संस्कृत की दीक्षाएं भी करी हुई हैं और अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर वर्मा इतना अच्छा बोले उन्होंने हृदय को छू लिया जिस तरह से प्रोफेसर एमके वर्मा आके बोले ऐसा लगा कि यही तो शास्त्रों में निहित है मैं ज्यादा तो शास्त्र नहीं जानता हूं थोड़ा बहुत मैंने सीखा है इन दो दीक्षाओं में वही मैं आपके सामने थोड़ा सा रखने की कोशिश करूंगा और कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिस जो मैं अपनी लेबोरेटरीज में करता रहता हूं करवाता रहता हूं बच्चों के साथ में उसको भी शेयर करने की कोशिश करूंगा सो दैट यू विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल वर्क ऑल्सो तो मैं आपको uh, एक पीपीटी uh, की तरफ ले चलता हूं और uh, जैसे कि मेरी वार्ता I'm sorry, uh, I should uh, share the page. Uh, let me. तो जैसे कि मेरी वार्ता का शीर्षक है भारतीय मूल्य और इंडियन वैल्यूज मैनेजमेंट थ्रू इंडियन वैल्यूज तो मैं आपको माहेश्वर सूत्र से ही शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले इसको पढ़ना चाहूंगा अण री लिक एंग ऐच हयट लण यम नम झश झ छट ठट तपय कपय शशसर हल माहेश्वराणी सूत्राणी अब महर्षि पाणिनि जो थे जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की संस्कृत जिससे सारी भाषाओं का उद्गमन हुआ विकास हुआ महर्षि पाणिनि के तप से प्रारंभ होकर तप से प्रसन्न होकर तांडव की समाप्ति पर शिव ने इनको महर्षि पाणिनि को ज्ञान देने के लिए चौदह बार चौदह बार डमरू बजाया तो इस प्रकार से ये जो चौदह सूत्र आप देख रहे हैं ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये चौदह सूत्र है फोर्टीन सूत्र तो इन चौदह सूत्रों के माध्यम से पाणिनी जी जो कि अज्ञानी समझते थे अपने को जो अज्ञानी थे उनको अचानक से ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने संस्कृत का महाभाष्य और संस्कृत के व्याकरण से लेके जिससे हिंदी से लेके और तमाम उड़िया बंगाली तमिल मराठी तमाम भाषाएं तेलुगु कन्नड़ और साथ ही अंग्रेजी के तमाम शब्द हम लोग आप में से अधिकांश लोगों को पता नहीं इस बात का पता होगा या नहीं होगा कहीं जानते भी होंगे लेकिन फिर भी मैं कुछ शेयर करूंगा एक हाइपोथिस रखता हूं आपके सामने आई वेंट टू बेंगोल एंड आई आस्क द टिपिकल बेंगाली दैट प्रोनाउंस ए वर्ड दशमलव की प्रोनाउंस दो शमलव जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दशमलव का उच्चारण दो शमलव आ का उच्चारण आज प्रोनाउंस ओ इन द बंगाल तो दशमलव बोला तो उन्होंने बोला दो शमलो इसके बाद में नाउ आई मूव टू मूव थ्रू बिहार यूपी गुजरात एंड फाइनली आई रीच टू द वेस्टर्न कंट्रीज वेस्ट की तरफ में गया पूर्व से पश्चिम की तरफ गया और मैंने देखा कि देखिए दशमलव कैसे परिवर्तित होता है भाषा कैसे परिवर्तित होती है दो शमलव दशमलव बिहार दशमलव उत्तर भारत दशमलव गुजरात डेमल एंडम लो दशमलव चारित्र चरित्र कैरेक्टर 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 चरित्र शब्द जो है वह हमारा कैरेक्टर बदला सिमिलरली पारिमिति पैरिमिट्री पेरीमिट्री समिति सममिति सिमिट्री द्वार जनित्र जनित्र जेनेटर जनरेटर जनरेटर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हमारे बहुत से यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स होंगे वट तो वो जनरेटर जनित्र से बना हुआ शब्द विधवा विधवा विडो विधो विडोर कर्त धातु से कट का निर्माण होना सो थाउजेंड ऑफ सच वर्ड्स आर एवेलेबल विच आई नोट डाउन इन माई मोबाइल एंड दीज वर्ड्स आर एक्चुअली द इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द संस्कृत ये अपने दिमाग में कई लोगों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता है उनको इस धारणा से अवगत कराना चाह रहा हूं कि इसको दिमाग में डाल लीजिए कि बहुत सारे शब्द हजारों वर्ड हमारे यहाँ से जाके बने हैं और विभिन्न भाषाएं से उसके अपभ्रंश से संस्कृत के विकार से उत्पन्न हुई है जैसे इटालियन जर्मन इंग्लिश हमारे मराठी गुजराती बंगाली उड़िया तमाम भाषाएं जो अपभ्रंश हुआ संस्कृत का संस्कृत का जो विकार हुआ जब हम गलत बोले प्रोनाउंस सही नहीं कर पाए अलग अलग वर्डों का इस्तेमाल किया गया उससे उत्पन्न हुई तो सिमिलरली अदर इंडियन लैंग्वेजेस लाइक कन्नड़ उड़िया बंगाली मराठी और ऑल द आर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ आई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द संस्कृत और द यूज ऑफ द डिफरेंट वर्ड फॉर द सेम ऑब्जेक्ट क्योंकि आप संस्कृत में देखेंगे देर आर वेराइटी ऑफ वर्ड फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट इन संस्कृत

जो वर्ण चलते हैं वो जैसे ब्यूटी ऑफ दर्ण संस्कृत एंड हिंदी वर्ण, वर्ण की आप क ख लयबद्धता है क्रमबद्धता है किन्होने बनाई ये भाषा क्या जंगली लोग इतनी भाषा इतनी साइंटिफिक भाषा बनाने में एबल हो सकते हैं कभी नहीं हो सकते हैं मतलब कौन था बनाने वाला वो वो परम वैज्ञानिक था हि वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट तो आगे चलते हैं च छ अब आप देखिए च छ झ बोलिए जीव आपकी यहां यहां टकराएगी जीव दांतों के ऊपर दैट इज कॉल्ड तालू और इसको स्वर इस इन वर्णों को नाम दिया गया है तालव्य च छ आर कॉल्ड तालव्य सिमिलरली इसके बाद जाइए त थ द ध इनमें आपकी जीवा जो है द टंग टच इज द टीथ एबव अपर टीथ अपर पोर्शन ऑफ द टीथ द जीवा टच सो जैसे त करके देखिए त थ द ध ऊपर टच करेगी इसके बाद में आता है ट ठ ड ढ दिस टीज आर कार्ड कार्ड मूर्धन ट में तालू के ही ऊपर के भाग में एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जीभ टच करती है प वर्ण में जब आई आएं, आप आएंगे प वर्ण प फ ब भ अब आप करके देखिए प फ ब भ सभी में ओठ बंद होते हैं विदाउट क्लोजिंग योर लिप्स यू कैन नॉट स्पीक एनी वर्ड और पवन प फ तो यद्यपि इसमें से आप में से बहुत से लोग इन बातों को जानते होंगे फिर भी जो लोग अनभिज्ञ हैं उनके लिए मुझे यह बताना जरूरी था सिमिलरली कुछ और आगे चलता हूं स्थानी ष्टी जब बोल नहीं पाए तो उसको बोला गया सिक्सटी ष्टी दी जब बोल नहीं पाए तो बोला गया सिक्सटी टू जब ष्टी थ्री बोल नहीं पाए तो उसको बोला गया सिक्सटी थ्री सष्टी चतवार सष्टी चतवार सिक्सटी फोर सष्टी पंच पंच का प्रोनंसिएशन फम्फ बोला गया पहले जर्मन या इटालियन किसी लैंग्वेज में फम्फ बोलते हैं सिक्सटी फम्फ फिर उसको धीरे धीरे फाइव में कन्वर्ट हो गया तो सिक्सटी फाइव सष्टी षड सष्टी षड सिक्सटी सिक्स सष्टी सप्त सिक्सटी सेवन सष्टी एट सष्टी अष्ट सिक्सटी एट सष्टी नव सिक्सटी नाइन सप्तती दे वेर अनेबल टू प्रोनाउंस सप्तती दे स्टार्टेड प्रोनाउंसिंग सेवेंटी वेन दे वी आरबल टू प्रोनाउंस अशी थी अशीति हमारे यहाँ अस्सी को बोलते हैं हमने नब्बे कर दिया उधर नवति को उन्होंने नवति नाइंटी नाइन्टी कर दिया सिमिलरली दशमलव जैसे बोला दशमलव को डेसीमेल कर दिया तो खैर अब इसको मैं यहां बंद करूंगा अब आप सोचेंगे कि डमरू सुनने से ज्ञान की प्राप्ति कैसे संभव हो गई पाणिनी महाराज को महर्षि पाणिनी को डमरू से इतना ज्ञान कैसे मिल गया इतनी अः साइंटिफिक लैंग्वेज उनके मन में मस्तिष्क में कैसे समाहित हो गई सिर्फ शंकर जी ने डमरू बजाया दैट इज अंधविश्वास ये तो कोरी कल्पना लगती है कि उन्होंने डमरू बजाया और मस्तिष्क में पाणिनी के पूरा ज्ञान आ गया उन्होंने संस्कृत भाषा बना दी व्याकरण बना दिया उससे तमाम भाषाएं बन गई उसके अपभ्रंश से आज हम उसका उन भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा

उठा के डा, डाटा ट्रांसफर पाणिनि के दिमाग में चूंकि वो तपस्या कर रहे थे उनको ज्ञान की प्राप्ति की लालसा थी जब हम ज्ञान प्राप्ति की लालसा के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाला भी हमारा कुछ ना कुछ साथ देता है और वो तो तपस्वी थे वो तपस्या में लीन थे तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके दिमाग में ये जो संस्कृत का बीज था संस्कृत का ज्ञान था ये उन्होंने अपने माहेश्वर सूत्र के जरिए ट्रांसफर कर दिया लाइक डाटा ट्रांसफर ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलते भी हैं जैसे संजय के द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष महाभारत के युद्ध का लाइव प्रसारण विक्रमादित्य के सिंहासन की पुतलियों का लगातार बोलना आदि अब आज अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो आज जो मेमोरी डिवाइसेज हैं, दीज आर एट नैनो लेवल्स मेमोरी चिप्स अत्यधिक सूक्ष्म हो चुकी है तो फिर सोचिए जब आज की टेक्नोलॉजी इतनी सूक्ष्म हो चुकी है तो हमारे मस्तिष्क की जो मेमोरी डिवाइस है वो कितनी सूक्ष्मतम होगी वो नैनो से भी पता नहीं कितना नीचे होगी अब कल्पना करिए कि आपके आपके मस्तिष्क में स्थित मेमोरी को आपके किसी मित्र के साथ रिप्लेस कर दिया जाए थोड़ा सा इमेजिन करिए थोड़ा हाइपोथिस हम लोग हम लोग साइंस बिरादरी के लोग हैं कल्पना कर सकते हैं कि आपके दिमाग की मेमोरी चिप को निकाल के आपके मित्र के साथ रिप्लेस कर दिया जाए क्या होगा शरीर तो आपका होगा किंतु प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंटली यू विल बी नॉट देयर आपका मित्र आपका स्थान ले लेगा सारी एक्टिविटी क्योंकि दिमाग तो उसका संचालित हो रहा है तो वो वही एक्टिविटी संचालित होगी जो आपके मित्र के दिमाग में थी आप आप नहीं रहेंगे तो हृदय और मस्तिष्क इनका संचालन इलेक्ट्रिक करंट के ही माध्यम से होता है ये आज के साइंस में प्रूव हो चुका है बहुत ही लो लेवल की करंट रहती है बहुत ही लो लेवल की करंट होती है जिससे हमारे पल्स uh, स्पंदन होते हैं हृदय के और मस्तिष्क में uh, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली uh, में इससे कार्य होता है यद्यपि ये इतने सूक्ष्मान की करंट होती है इतनी लो करंट होती है कि किसी भी बाह्य भौतिक डिवाइस से एक्सटर्नल डिवाइस वी कैन नॉट एड विद द एक्सटर्नल डिवाइस नाउ इन इन दैट पीरियड ऑफ दैट एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी आर नॉट एबल टू एड

तो उनके लिए यह सब संभव था वो डमरू बजा के डाटा ट्रांसफर कर सकते थे यौगिक क्रियाएं आज हम योग करते हैं योग से हमें थोड़े से लाभ दिखाई देते हैं आज बहुत लोगों को लाभ दिखाई दे रहे हैं कोरोना के बाद भी बहुतों ने स्टार्ट किया है लाभ हो रहे हैं तो ये जो योग हम कर रहे हैं दैट इज द जस्ट ए आउटर पार्ट यौगिक क्रियाएं बहुत ही डीप है बहुत गहरी है अगर आप वेदों में वैदिक वे, साइंस में देखेंगे लिटरेचर में हमारे जाके देखेंगे तो इसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं तो ये जो यौगिक क्रियाएं थी इनको भी हम एक्सट्रीम साइंस के रूप में देख सकते हैं इस तरफ धीरे धीरे हम बढ़ सकते हैं जिसकी लगातार प्रैक्टिस के साथ हमारे जो ऋषि मुनि थे वो असाधारण क्षमताएं प्राप्त कर लेते थे बहुत सारी असाधारण क्षमताएं उनको मिल जाती थी तो आगे बढ़ता हूं कि गणित मैथमेटिक्स जो है अग्नि प्रज्वलन के कर्म है धातु कर्म है रसायन है विभिन्न ग्रहों की स्थितियां हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण सूर्य का उत्तरायण होना दक्षिणायन होना बहुत सारा खगोल शास्त्र हमारे शास्त्रों में निहित है उसके साइंस साइंस के जरिए हम हम बहुत कुछ कुछ पहले ही देख देख लेते थे जब यहां आधुनिक तब तब भी नहीं देख पाता था तब हम देखने में वी सावल टू सी दैट थिंग्स तो इन आदि इन सभी का जो आधारभूत ज्ञान है वो संस्कृत ग्रंथों में निहित है निश्चित रूप से हजारों वर्ष पहले का आदि मानव जो था वो इतनी क्रमबद्ध और वैज्ञानिक भाषा का निर्माण नहीं कर सकता था ये तो आप भी समझ जाएंगे कि अगर हम आदिम युग में थे तो आदिम युग में हम जंगली लोग इतनी सुंदर भाषा इतनी साइंटिफिक भाषा कैसे बना सकते थे नहीं बना सकते थे यहाँ तक कि आज के वैज्ञानिक दौर में भी हम उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचे हैं कि कोई विशेष प्रकार की भाषा कोई बहुत अच्छी सी भाषा हम निर्मित कर सकें सो आई विल यू दैट देन संस्कृत इज एक्सट्रीमली साइंटिफिक लैंग्वेज

एक वैज्ञानिक के रूप में तो देख ही सकते हैं विज्ञान के रूप में देख सकते हैं और यह हमको एक नई दिशा देने वाला है इस तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा संस्कृत संस्कृत अपनी वैज्ञानिक क्रमबद्धता एवं अनेक भाषाओं की जन्मदात्री के रूप में ही नहीं प्रतिष्ठित होती वरण सही उच्चारण के साथ बोले जाने पर शरीर के साथ लयबद्ध होकर अनेकों रोगों से बचाने का भी हमें कार्य करती है जब हम ये जीभ में जब टकराते हैं ना ये जो लयबद्धता क्रमबद्धता वैज्ञानिकता यही जो ब्यूटी है हमारे संस्कृत की तालब भी जो है वो जीप से टकरा रहे हैं जो दंत है वो दांत से टकरा रहे हैं तो जब हम सही प्रोनाउंस करके संस्कृत को बोलते हैं सही उच्चारण के साथ बोलते हैं तो ये अपने आप में योग होता है जो हमको कई रोगों से बचा के रखता है अनायासी सिर्फ सिर्फ संस्कृत बोलने मात्र से तो उस तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहिए इसे सही सही उच्चारण से इसे बोलना योग का ही एक पार्ट है तो आज संस्कृत की वैज्ञानिकता को वैसे भी हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व जान चुका है इसे पढ़ने समझने एवं इसके उपयोग के प्रयास भी आरंभ हो चुके हैं यद्यपि विज्ञान के साथ वर्तमान में आज अगर हम देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में कोई नाता जुड़ता दिखाई नहीं देता कि विज्ञान और संस्कृत क्या मतलब है वट वट डिल टू वट इट विल डू संस्कृत विद द विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकिन यह तथ्य पर परख है विज्ञान गो इन टू इट्स एक्सट्रीम जैसे जैसे उन्नत और उन्नत और उन्नत विज्ञान होगा संस्कृत की उपयोगिता बढ़ती जाएगी समृद्ध लैंग्वेज की उपयोगिता बढ़ती जाएगी और यह संस्कृत गहराई के साथ विज्ञान से जुड़ती जाएगी यह मेरा प्रोडिक्शन है और वो युग कुछ ऐसा होगा कुछ ऐसा होगा जैसे आज हम कमांड देते हैं कंप्यूटर पे कंट्रोल करने के लिए तो वो युग कुछ ऐसा होगा जिसमें बड़ी बड़ी घटनाओं और प्रक्रियाओं का संचालन संस्कृत के छोटे छोटे सूत्रों के कमांड के जरिए श्लोकों से मंत्रों से हो जाया करेगा और यही हमारा एक्सट्रीम साइंस पहले था नाउ आई विल से वेन संस्कृत इज द लिटरेचर रिटेन इन संस्कृत दैट मस्ट बी मस्ट ऑल्सो बी साइंटिफिक जब संस्कृत इतनी साइंटिफिक है अभी हम ऊपर देख रहे हैं बहुत सारी बातें हमने देखी समझी तो जब संस्कृत इतनी साइंटिफिक है तो इसमें जो हमारी भारतीय मूल्य जो इंडियन वैल्यूज दी गई है वो नकारात्मक कैसे हो सकती है वो सिर्फ बच्चों को सिखाने के लिए वो अः कहना चाहिए सुभाषितानी नहीं है कि आपने बच्चों को से श्लोक पढ़वा दिया कि कर्मण्यवादिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन उसको हमको भी अप्लाई करना पड़ेगा आज आजीवन मृत्यु के दम तक ये वो सूत्र है जैसे जब डायबिटीज हो जाती है तो हमको इंसुलिन दिया जाता है तब हम ठीक होते हैं आज कोविड के लिए टीका तैयार हुआ है वो टीका हमको मिल रहा है तो उससे हम सुरक्षित हैं ये वो सूत्र है जो जब समाज में विकृतियां पैदा हो जाती है जब करप्शन बढ़ जाता है तब ये भारतीय मूल्य उनको खत्म करने का एक टीका है इसको धार्मिक रूप से न देखा जाए मैं तो यह मानता हूं कि इसको धर्म के रूप से न देखा जाए इसको एक विज्ञान के रूप से देखा जाए एक टीके के रूप में देखा जाए जैसे हम डॉक्टर के बताने से तुरंत इंसुलिन लेते हैं तो जब हम समझेंगे कि संस्कृत language, संस्कृत एक्सट्रीम साइंटिफिक साइंटिफिक लैंग्वेज लिटरेचर इज एक्सट्रीमली सो द आर्टिकल ऑल द आर्टिकल रिटन इन द संस्कृत दीज आर ऑल्सो एक्सट्रीमली साइंटिफिक एंड दीज आर द टीका दीज आर द इंजेक्शन फॉर द फॉर द कलुषित समाज कलुषित वातावरण पैशनेट होते हैं और लगातार नई नई चीजें लैबों में से निकल के आती रहती है ना कि फैक्ट्रियों से हम लोग फैक्ट्रियों के भरोसे रहते हैं कि बस सिर्फ पढ़ाना है नहीं ऐसा नहीं है हमको निकालना है प्रोडक्ट निकालना है जो अवेलेबल सामान है उनके साथ हमको निर्माण करना है तो अच्छा हमारे यहाँ अब आप कहेंगे बहुत सारे लोग एक प्रश्न जरूर मन में रखेंगे अरे यार शॉर्टकट तो लोग कर लेते हैं पेपर कुछ भी फर्जी पब्लिश हो जाते हैं पेपर फर्जी पब्लिश करो प्रमोशन ले लो पद के ऊपर बैठ जाओ पद पे बैठ जाते हैं लोग परेशान करते हैं ऐसा होता है वे तो तमाम तमाम शिकायतें हैं और वो शिकायतें हर जगह मौजूद हैं उसके लिए मैं बोलूंगा कि हमारे जो शास्त्र हैं जो भारतीय मूल्य हैं वो क्या कहते हैं देखिए जो ऐसी निगेटिव बातें जब आती हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं कहने में संकोच नहीं कि इनोवेशन के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए हैं रिसर्च पेपरों के नाम पर अधिकांशतः हम इनकी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं उपयोगी काम अत्यंत कम दिखाई पड़ता है दिखाई देता है लेकिन कम दिखाई देता है कहीं से भी हो सकता है उपयोगी काम तो आप सभी ये सोचेंगे कि जब लोग शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं शॉर्टकट उपयोग कर रहे हैं तो मैं भी सफल होने के लिए शॉर्टकट क्यों ना क्यों ना यूज करूं मैं क्यों दाएं माएं देखूं और सच्चाई की राह पे चलूं और भारतीय मूल्यों पे जाऊं तो नहीं क्योंकि भारतीय मूल्य साइंटिफिक है फाइनली द रिजल्ट विल बी साइंटिफिक मतलब टीका आप लगाओगे तो आपका आपकी जो दरिद्रता है वो जाने वाली है तो ये टीका लेने से भी हमारी दरिद्रता जाने वाली है और जो लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट मेथड या गलत तरीके का कि जो प्रणाली जो प्रचलन में हमारे देश में इधर उधर चल रही है उसमें ही करके हमको आगे बढ़ना है वो गलत है और उसको गलत सार्थक उसको गलत सिद्ध करने के लिए देखिए हमारे भारतीय मूल्य क्या कहते हैं कृष्य को म नृष्यति न कुप्यति अर्थात एक अमूल्य मणि को प्राप्त करके संतुष्ट होता है वही दूसरा जिसे यह मणि अप्राप्य है जिसको मिलती नहीं मणि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कुपित हो जाता है दुखी हो जाता है हमको तो मणि नहीं मिली हमारा पेपर पब्लिश नहीं हुआ उन्होंने फ्रॉड कर दिया उन्होंने ऐसा पेपर पब्लिश कर दिया उन्होंने ऐसा झूठा काम दिखा दिया वो प्रमोट हो गया फिलाना हो गया ठिकाना को बहुत सारी बात है तो अब देखिए आगे श्लोक क्या कह रहा है साइंस हमारा जो साइंस है वो क्या कहता है जो टीका है वो क्या बोलता है किंतु जो विरक्त है विरक्तोत्र न हर्ष्यति न कुप्यति जो विरक्त है वह इस मणि को देखकर इस लोभ को देखकर यह मणि जो है ये लोभ की मणि है लालच की मणि है तो इस मणि को देखकर जो विरक्त है वो न हर्षित होता है न कुपित होता है बल्कि वो क्या करता है वह लगातार संयम के साथ अपने काम में डटा रहता है और संतुष्टि प्राप्त करता है क्योंकि जब भूख होती है जितनी भूख को जितना भूख को शांत किया जाए भूख उतनी बढ़ती है भूख उतनी बढ़ती है और जितना मन को संतुष्ट किया जाए भूख उतनी खत्म होती है और संतुष्टि प्राप्त होती है दैट 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 इज 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 द योगा भारतीय मूल्य इंडियन वैल्यूज तो यहां विरक्ति का अर्थ यह नहीं है कि सब छोड़ के हम वन में चले जाए भाग जाए क्योंकि तो हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं या ऐसा है वैसा है नहीं उन प्रवृत्तियों से विरक्त होना है जो हमारे कार्य में अवरोध उत्पन्न करती है जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है यहां क्या है विरक्ति यहां लोभ से विरक्ति है क्रोध से विरक्ति है फ्रस्ट्रेशन से विरक्ति है जो हमको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि हमारा कुछ नहीं हुआ हम कैसे करेंगे हम क्यों करें ये सब नहीं हमको लगातार करते रहना है एक दिन जरूर आएगा यू विल गेट सक्सेस यही मानव का कर्तव्य है तो अब यदि हमारी मती है फिर भी आप कहेंगे कि नहीं मन तो नहीं मानता है मती सोच सोच तो हमारी यही कहने वाली है यही कहेगी कि शॉर्टकट करो पेपर छापो आगे बढ़ो क्या करना है जैसा चल रहा है चलने दो जो कंप्रोमाइज हो रहे हैं चलते चले सब कंप्रोमाइज कर रहे हैं हम भी क्यों ना कंप्रोमाइज करें नहीं अब इसके लिए देखिए शास्त्र हमारे क्या कहते हैं इस कंप्रोमाइज के लिए यदि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप क्या है वो शास्त्र हमारा बताता है एंड शास्त्र इज नथिंग ये जो हमारे भारतीय मूल है ये साइंस है ये टेक्नोलॉजी है बार बार मैं बोलूंगा ये टीका है ये टीका है वातावरण को सुधारने का तो क्या कहता है देखिए मतयो यछंती तछंती वराह यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वही ना मति यहां जाती है मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वराह यदि हमारा मन हो रहा है शॉर्टकट कर लो गलत कर लो ऐसे करके कर लो शॉर्टकट कर लो बना लो काम बना लो कंप्रोमाइज कर लो हो जाएगा नहीं देन वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग

शास्त्र कोई भी हो सकता है मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं करूंगा चाहे वो मोहम्मद धर्म हो उसमें भी बड़ी अच्छी बातें हैं चाहे क्रिश्चियन धर्म हो ईसा मसीह ने भी बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी कही हुई है बाइबल में लिखी हुई है वो भी पढ़ता हूं और मैं कुरान शरीफ भी रखे हुए हूं मैं वो भी पढ़ता रहता हूं उसको भी देखता हूं कि क्या क्या है उसमें तो हर जगह जो अच्छी बातें हैं जो विवेक है जो विजडम है विजडम गिवेन बाई अवर अवर इंडियन वैल्यूज वो कहता है कि शास्त्र जहां जाता है ज्ञान विवेक जहां जाता है मनुष्य मानव उसी ओर जाता है और चंचल मन या अनकंट्रोल्ड माइंड जहां जाता है वानर या जानवर उसकी तरफ जाता है तो हम लोग कहाँ हैं ये हमको डिसाइड करना है अगर हम कंप्रोमाइज करते हैं सिस्टम से अगर हम ये सोच लेते हैं कि नहीं हाँ ठीक है चल रहा है हम भी ऐसे ही कर लेंगे शॉर्टकट देन वी आर नॉट ह्यूमन बींग दिस इज चैलेंजिंग टास्क दिस इज चैलेंजिंग टास्क टू टू लिव एज ए ह्यूमन बींग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए कि हमको इंसान का जीवन मिला है लड़ाइयां होती रहेंगी लड़ते चलिए आगे बढ़ते रहिए तो यदि आप अच्छा एक चीज और भी है यदि आप कुपित हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ये आपके लिए तो हानिकारक है ही है क्योंकि आप क्रोध करेंगे जब हम क्रोध करते हैं यहां भी हमारा दर्शन हमको बताता है कि क्रोध करने से क्रोध को पाप का दर्जा दिया गया है अभी एक आज से आप कि आज से कुछ साल पहले तक दस बीस पंद्रह बीस साल पहले तक और बल्कि सौ सालों पहले दो सौ सालों पहले पाप पुण्य की अवधारणा थी जो अब बिल्कुल खत्म हो चली है उसमें बिल्कुल डिसाइडेड थे कि ये कर्म तो पाप है ये कर्म पुण्य है क्रोध करना भी उसमें पाप है अब देखिए इसका विज्ञान क्या है आप क्रोध करते हैं जब लगातार हम क्रोध करते हैं बीपी बीपीटअप आप चेक कर लीजिए मैं ये सब चीजें चेक करता रहता हूं मैं बीपी इंस्ट्रूमेंट रखे हूं जब ज्यादा बोलता हूं अभी इस समय मैं टॉक दे रहा हूं बोल रहा हूं अभी मेरा बीपी बढ़ा हुआ होगा तो जब हम बोलते हैं और जब हम जितना तेज गुस्सा होते हैं उस समय बीपी और शूट करता है और जब हम लगातार दैट कम्स इन माई प्रैक्टिस फॉर इन माई लाइफ इट कम्स मैं हर जगह हड़काता रहता हूं घर में बच्चों को बीवी -बी को इधर उधर लड़ाई करता रहूं डांटता रहू दे बीपी एंड बीपी विल कम then uric uric acid will will increase increase that 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 is is medical science that is saying that you uh, uh, as the bp your heart disease tamam duniya bhar ki disease you will you will take तमाम तो अगर आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अगर आप कुपित होते हैं तो ये तो आपके लिए ही हानिकारक है दूसरा जो शॉर्टकट कर रहा है वो तो प्रसन्न है लेकिन कितना प्रसन्न है ये ध्यान रखिए कि दूसरा तात्कालिक रूप से सामूहिक रूप से टाइम बींग ही प्लीस्ड Time being present है और उसके शॉर्टकट से उसको एक ना एक दिन परेशान अवश्य होना है वो जरूर आएगा सामने आएगा यही नैतिक विज्ञान है तो जो अच्छा कर रहा है यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो विचलित होने की जरूरत नहीं है सामयिक धैर्य की आवश्यकता है अपने स्वस्थ प्रयासों को बढ़ा देने की आवश्यकता है न कि शॉर्टकट से प्रेरित होने की क्योंकि शॉर्टकट अंततः कष्टकारी है हम तकनीकी से जुड़े हुए लोग हैं आइए आइए देखते हैं कि पूर्णतः वैज्ञानिक हमारे भारतीय मूल्य इस संबंध में कर्म के संबंध में हम लोग तकनीकी से जुड़े हैं कर्म प्रधान लोग हैं हमको कर्म करना है हमको सिर्फ टीचिंग के साथ साथ हमको इनोवेशन भी करना है यही आज की मांग है यही देश की मांग है आज हम दिवाली आती है कितना भी चाइनीज का बहिष्कार करें लेकिन दीपावली आती है हम मजबूर हैं हमको एलईडी चाइना की ही लगानी पड़ती है इवन हमारे आईआईटी कैंपस में सारा एलईडी से सजता है क्यों हम लोग क्यों पीछे वी 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 हैव 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 टू 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 डू 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 हमको हमको करना होगा विल इन द लेबोरेटरी काम करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज एक एक पॉलिटेक्निक की लेबोरेटरीज में से इनोवेशन निकालना होगा उस तरफ हमको बढ़ना होगा और दैट वी शुड एंजॉय हमको वो चीजें एंजॉय करनी होगी तो ये अगले स्लाइड की तरफ मैं बढ़ता हूं कि कर्म के लिए आ, क्या हमारे मूल्य भारतीय मूल्य कहते हैं योगस्थ कुरु कर्मणि संग त्यक्तवा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते सिद्धय सिद्धयो मतलब सिद्धि असिद्धि दोनों का संधि है सिद्धि असिद्धि हे अर्जुन आ, आ, युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं हे अर्जुन तुम योगी हो करके काम करो समलिप्तता को हटाकर समलिप्तता यानी कि अटैचमेंट जब हम ये सोच के काम करते हैं कि अरे यार मैं लैब में करूंगा पता नहीं होगा कि नहीं अरे तो बहुत भयानक है बहुत ऐसा दिख रहा है कठिन टाइप का प्रतीत होता है दिस इज लाइक लुक लाइक डिफिकल्ट वेदर आई विल बी एबल टू डू अवर नॉट हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है हम कैसे करें हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए नहीं आप ये देखिए कि कितने संसाधन आपके पास में है एक थर्मोकपल है आपके पास में ओनली विद द थर्मोकपल इफ यू हैव ए टू थर्मोकपल थर्मोकपल इज नथिंग बट द बाई मेटल बाई मेटल विच सेंस द टेम्परेचर एंड इट कन्वर्ट इन टू द मिली वर्ड ये हम लोगों ने बारहवीं क्लास में ये चीजें पढ़ी है इफेक्ट ये वही है तो क्रोमल एल्यूमिल थर्मोकपल बाजार में मिल जाता है सिंपल सा छोटा सा उन दोनों को आप प्लस माइनस माइनस प्लस क्रम में जोड़िए यू विल बी एबल टू क्रिएट योर डी टी ए डिफरेंशियल थर्मल एनालाइजर दिस इज नॉट ए प्रॉब्लमेटिक थिंग वेरी इजी आप आप में से किसी को बनाना हो आप लोग मुझे संपर्क करिएगा मैं आपको वहीं यहां से बैठे बैठे गाइड करके आपको बनवा दूंगा ये इतनी आसान चीजें हैं लेकिन होता क्या है कि हम इसको जब ये समझते हैं कि डी टी ए डी टी एंड डी एस सी परचेज किया है वो बाहर से लिया है वो फॉरन से मंगाया है पच्चीस लाख का मंगाया है सो देट देट शुड बी देट मस्ट भी सम कॉम्प्लीकेटेड आइटम उसमें तो बटन दबाते हैं तो एक आर्म बाहर निकलती है फिर उसमें हम अपना पाउडर रखते हैं फिर वो बटन दबाते हैं तो आर्म अंदर चली जाती है नथिंग लाइक दैट this is simple operation is simple the principle is very simple you can make it और जब आप उसमें धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप ये आर्म निकलना, मोटर लगा के जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हमारे लोग हैं वो ये भी कमांड दे देंगे कि मोटर से एक आर्म अटैच कर दो भैया इसमें हम अपना पाउडर डाल के हम डीटीए बना डालें तो ये हमको करना होगा यही ये श्लोक हमको बोलता है कि हमको समत्व रखकर समत्व योग उच्चते जब हम उच्चते जब हम समत्व रखते हैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि कार्य सिद्धि होगी या नहीं होगी तो इसको ही ईश्वर ने या हमें तो कहूंगा हमारे वैज्ञानिक ने हमारे परम वैज्ञानिकों ने शंकर जी ने कृष्ण जी ने इसको ही योग बोला हुआ है इनोवेशन की बात आई है तो प्रयोगशालाओं में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट प्रयोग के निर्माण आदि के माध्यम से हम इस दिशा में गति कर सकते हैं और गति कर सकते हैं तो आइए अब मैं इस वार्ता को थोड़ा सा विराम दूंगा आप शायद मेरी बातों से बोर हो रहे होंगे तो मैं आपको इनोवेशन की ओर ले चलता हूं मैंने कुछ चीजें बनाई है उसमें से एक यूट्यूब मैं आपके साथ में शेयर करता हूं और इसके लिए मुझे आई विल गो टू तो ये जो टेक्निक थी बेसिकली uh, ये एन टाइप या पी टाइप आपको अगर पता करना हो विद इन सेकेंड्स क्योंकि बहुत सारे जब हम रिसर्च स्कॉलर्स काम करते हैं जब आप रिसर्च में आप कुछ डिवाइस अपनी बनाते हैं तो उसमें जरूरत आवश्यकता पड़ जाती है कि आप ये पी टाइप है या एन टाइप है फिर उसके बाद आप हाल में जाते हैं अब पता पड़ा कि आपके दस आपने बीस सैंपल बनाए और बीस सैंपल में से दस सैंपल आपके फेल हो गए तो आप का हाल इफेक्ट पर जाना ही बेकार हो गया तो उस दृष्टिकोण से आप विद इन सेकेंड्स आपने बीस सैंपल इसमें लगाइए चेक करिए और उसमें से जो फाइनली आपके अच्छे बन गए हैं जो आपका टाइप मिल गया है वेदर इट पी और एन तो जो आपका मिल गया है उसको आप चूज कर लीजिए उसको फिर आगे गया फर्दर करेक्टराइजेशन यू कैन डू सो इन दिस वे दिस इज एंड अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा ये अभी मैं डीटीए की बात कर रहा था सो so, यहाँ पे आप टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड में देखेंगे ये इधर जो दिख रहा है ये अनिक घी के डब्बे में अनिक घी के डब्बे में मैंने फर्नेस बनाई हुई है छोटी सी इसमें जो वूल ग्लास होता है ग्लास वूल का यूज करके इसको इंसुलेशन आ, किया हुआ है और देन इसी के आगे सामने ये जो आप देख रहे हैं ये इसका सैंपल होल्डर है और इसमें ये ये सैंपल होल्डर है और इसमें दो एक सैंपल है एक स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड में हम वो चीज रखते हैं जो रेफरेंस कोई भी जिसमें लंबे टेम्परेचर तक हजार बारह सो पंद्रह सो डिग्री सेंटीग्रेड तक जिसमें कोई भी फेस चेंज या समथिंग किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना है उसको हम एज ए रेस मटेरियल ले सकते हैं और जिसमें चेंज होना है सपोज बेरियम टाइटेनेट बेरियम टाइटेनेट गेट चेंज इट इट्स डिग्री फ्रॉम टेक्ट्रागोनल टू क्यूबिकेपेक्स ए जी आई सिल्वर आयोडाइट

My is कि हम जो AGI का यूज कर रहे हैं तो उसको आई में तो बैटरी बनानी है तो उसको कितने नीचे तक ला सकता हूं, मुझे ये देखना है कि जो उसका पीक आता है 148 के ऊपर वो क्या 120 पे 100 पे आ गया अगर वो 105 पे भी दिखाई देगा अगर वो नाइनटी पे भी दिखाई देगा तो भी मेरा रिसर्च सफल हो जाएगा तो मुझे उस डी की जरूरत नहीं है और वो डीटीए उस समय बाई चांस जो विदेशी इक्विपमेंट था वो खराब था जिसमें आप पाउडर डालिए वो वार्म अंदर करेगा उसमें ये एरर नहीं होती उसमें कैलिब्रेशन होता है बेसलाइन करेक्शन वगैरह होते हैं बट पीक वाज एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली सेम एंड दैट इज वर्थ ट्वेंटी फाइव लैक रुपीज एंड इज वर्थ जीरो आपने लैब में इसको तैयार कर लिया तो जब आप बनाते हैं खुद से जब हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं इट गिफ्ट प्लेजर टू अस ये जो एनर्जी हमको मिलती है ये कोई छीन नहीं सकता ये शॉर्टकट वाले लोग इस एनर्जी को हमसे छीन नहीं सकते जो एनर्जी मैंने ग्रहण करी है और ये एनर्जी सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मुझे खुश कर रही है ये मुझे स्वास्थ्य के रूप में भी एंजॉय करने का मौका देती है मेरा अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है मेरी मानसिक स्थिति कमोवेश इधर उधर हो रही है तो मैं उसमें भी मैं लाभ प्राप्त करता हूं तो इसमें सिंपल है कि आप दो थर्मोकपल लीजिए प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस में यानी कि डिफरेंशियल मोड में आप उसको जोड़ दीजिए तो जो आपका जो आउटकम आएगा दैट विल बी द सिग्नल ऑफ डिफरेंशियल थर्मल एनालाइजर वो सिग्नल होगा और एक तरफ आप जो रेफरेंस जंक्शन है वहां एक थर्मोकपल uh, के या तो इसी रेफरेंस जंक्शन वाले थर्मोकपल से कनेक्ट कर दीजिए या एक नया थर्मोकपल लगा दैट विल रीड द टेम्परेचर ऑन योर एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस विल बी द सिग्नल सो एज यू यू आर लुकिंग इन द ग्राफ यू विल सी ए पीक इट मे बी एंडोथर्मिक और इट मे बी

लेकिन फिर मैंने सोचा कि स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर तो एनआई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं लेब व्यू का, का काम नहीं होता है कैसे करेंगे देन वी कैन ऑल्सो डू विद द मल्टीमीटर आप बीच वाले चित्र में देखिए दो मल्टीमीटर लगे हुए हैं उसमें एडॉप्टर लगे हुए हैं डाटा अडोप्टर है सो so, एक में हमारा टेम्परेचर आ रहा है और एक में हमारा सिग्नल आ रहा है डी टी ए का दैट यू कैन कैप्चर एंड यू कैन गो थ्रू द एक्सेल और ओरिजिन यू कैन प्लॉट योर योर ग्राफ यू कैन स्टडी योर डिवाइस खैर और आगे बढ़ता हूं आई होप यू एंजॉय दिस तो आगे जाते हैं थोड़ा सा और मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा आप लोगों को अपने संस्कृत के माध्यम से और एक बात और बोलना चाहूंगा कि जस्ट इन वन अप्रोच ऑफ वी गेट फेल्यूर एक बार में कोई चीज होती नहीं निराश होने का काम नहीं होता है बट दिस इज माई एक्सपीरियंस इफ वी वर्क हार्ड विद अ विलिंगनेस देन रिजल्ट डेफिनेटली हैज टू कम एंड वन मोर थिंग

तो आइए भारतीय विज्ञान के उत्कृष्ट स्वरूप को एक और उदाहरण से समझते हैं जिस परमाणु को आपने परमाणु को एटम के रूप में रदर के रूप में जाना है कि रदर के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हाँ परमाणु नाभिक ये सब होता है तो आधुनिक विज्ञान ने अभी शायद उसको दो या तीन सौ चार सौ वर्षों के पूर्व समझा होगा देखिए हमारे पुरातन विज्ञान में इसमें विज्ञान ही बोलूंगा और विज्ञान कहूंगा तो सबको पसंद आएगा धर्म कहूंगा तो लड़ाई झगड़े का की जड़ बनेगी इसलिए मैं इसे विज्ञान कहूंगा तो देखिए कैसे हजारों वर्ष पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने पहले ही विवेचना कर दी थी दस परमाणु एक परासूक्ष्म ये पुराणों में है वेदों में है यह आप ढूंढ सकते हैं एक परासूक्ष्म सूक्ष्म दस परा दैट इज इक्वल टू वन त्रस रेणु यहां मैं त्रस रेणु समझ रहा हूं कि दैट इज ए मोटिव दैट दैट मे बी ए मॉलिक्यूल टाइप जिसमें बहुत सारे परमाणु अटैच है उसको उन्होंने त्रस रेणु कहा उसके बाद उन्होंने दस त्रिषेणु को जब जोड़ा तो वो बोले कि एक धूलिकण यानी कि जो जब हम प्रकाश का रिसाव होता है सनलाइट चमकती है तो जो धूल कण चमकते हैं वो जब दस त्रिश्रेणु आ जाते हैं तो एक उनसे मिलकर एक धूल कण या मही, मही रजस बनता है अब उन्होंने धूल कण इसलिए कहा कि उस समय हमारे पास में कुछ प्रौद्योगिकी तो थी नहीं तो हम किन चीजों से देखते हम राई के दाने से ही अंदाज कर सकते थे हम धूल कण से ही अंदाज कर सकते थे इसलिए उन्होंने इसको इस रूप में प्रदर्शित किया आप एक धूल कण या एक महिरजस, दैट इज एक बाल अगर ऐसे करके ये तमाम आगे तक बढ़ता चला गया फिर अंगुली पे चला गया फिर पद पे चला गया फिर ये देखिए नीचे आते-आते ये हस्त पे चला गया फोर हस्त चार हस्त दैट इज इक्वल टू एक धनुष या एक दंड इसके बाद में और बढ़ते चले गए तो आप देखिए हम नैनो साइंस से नैनो लेबल से परासूक्ष्म से परमाणु से हम योजन तक की दुनिया यहां पे देख सकते हैं योजन जहां पे हम ग्रहों के बीच की दूरी या बड़ी बड़ी दूरियां जैसे हमारे एक इलाके से समुद्र कितना दूर है समुद्रों से लेकर के किसी दूसरे देश जाना है तो वो दूरी को हम योजन में उस समय व्यक्त करते थे योजन बड़ी इकाई है दूरी नापने की हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार और ये हाथों के बीच भी देखिए किसने अच्छे तरह से उन्होंने बताया है कि ये अंगूठे और उंगली के बीच में क्या क्या नाम दिए गए हैं ये दैट यू कैन सी इन द गूगल तो आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए शास्त्रों में पुराणों में एक बात निकल के आती है कि अः सूर्य और पृथ्वी की दूरी हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं थे सिर्फ सूर्य और पृथ्वी की दूरी नहीं कई ग्रहों के व्यास कई ग्रहों की दूरियां तमाम बातें हैं कुछ विज्ञान हमारा लुप्त तो हो चुका है कुछ हमारा अभी बचा हुआ है तो ये सब चीजें अभी आज है जो आपको मिलेंगी उसमें है उन्हीं शास्त्रों से हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जो कि 600 साल पुराने थे उन्होंने अपने मन से ईजाद नहीं किया उन्होंने शास्त्रों को पढ़कर उसको कविता के रूप में व्यक्त किया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु अब देखिए युग का मतलब होता है युग अर्थात बारह हजार ट्वेल्व थाउजेंड यहां नीचे आप देखेंगे स्लाइड में युग दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व थाउजेंड सहस्त्र यू ऑल नो सहस्त्र मींस हजार हिंदी में भी बोलते हैं संस्कृत वर्ड तो है ही है और उसके बाद योजन तो योजन आई है ये मैं बार बार मेजर कर चुका हूं आई ऑल्सो इंस्पायर यू जब आपका ये सेशन हो जाए आप जाइए और मेजर करिए कि एक योजन कितने किलोमीटर आता है जो मैंने पुरानी स्केल अभी जो मैंने स्केल दिखाई पिछले स्लाइड में इससे आप योजन को सेंटीमीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे देखिए यहां से मैं दिखा देता हूं कि एक योजन दैट इज इक्वल टू चार गाव्यूती ये देखिए गाव्युति चार गाव्यूती एक योजन नीचे लिखा हुआ है सबसे इसके बाद में तो वन योजन दैट इज इक्वल टू फोर इंटू टू थाउजेंड यानी कि एट थाउजेंड धनुष क्योंकि यहां आप देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर ये दो धनुष है टू धनुष सॉरी टू थाउजेंड धनुष दैट आर इक्वल टू एक गाव्युति तो यहां हमने टू थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे एक योजन ये बराबर हो गए आठ हजार धनुष के नाउ आठ हजार धनुष मीन्स आठ हजार गुणा चार मतलब बत्तीस हजार हस्त ये देखिए ये हस्त है चार हस्त इस इक्वल टू एक धनुष या एक दंड उसी को हमने ले लिया चार से गुणा कर दिया यहाँ पे चार से तो चार से जब हमने गुणा किया तो बत्तीस हजार हस्त आ गए आप जब हमारे पास हस्त है तो हस्त आप आराम से हस्त यानी कि कोहनी से लेकर के ऊपर तक का भाग इसको आप आराम से मेजर कर सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग आता है क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ का हस्त का साइज थोड़ा सा अलग होगा तो इसको आप चार लोगों का घर में हस्त लेकर के उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं तो, तो दैट एवरेज कम्स टू 42 सेंटीमीटर एज आई कैलकुलेटेड अब इस 42 कैलकुलेटर इनटू 32000 को अगर आप मल्टी multi, मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स टू दिस मच ऑफ सेंटीमीटर एंड 1344000 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 13.4 किलोमीटर सो एवरेज आउट एवरेजली यू कैन टेक द वन योजन दैट इज इक्वल टू 30.5 और 30 किलोमीटर सो हियर आई पुट इट नियरली 30 किलोमीटर सो श्लोक अब आप श्लोक पे जाइए युग सहस्त्र योजन पर भनु

हमारे पूर्वजों ने हमारे जो हमारे वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों ने आपने हिंदी में अगर गिनती पढ़ी हो शंख दस शंख पदम दस पदम नील दस नील हमको जाने की जरूरत कहां थी हमारी तो आबादी भी उस समय इतनी नहीं थी कोई ऐसी गणनाएं भी नहीं थी फिर हम वहां तक क्यों पहुंचे थे हम योजन तक क्यों पहुंचे थे दैट सेज ये बताता है कि हम पूर्व में काफी उन्नतशील थे हमारा विज्ञान बहुत उन्नत था हम ग्रहों की स्थितियां जानते थे हम बहुत सारी चीजें जानते थे अनेकों रसायनों के साथ साथ धातु की भस्म निर्मित करने की विभिन्न विधियां इससे संबंधित विभिन्न यंत्रों का वर्णन हमारे वैदिक साहित्य में मिलता है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर मिलेगा प्रयोगशाला को यहां रसशाला कहा जाता था रसशाला और पुराने ग्रंथों में से एक ग्रंथ आता है रस रत्न समुच्चय इस रस रत्न समुच्चय के अनुसार रसशाला में बत्तीस से अधिक यंत्रों का उपयोग किया जाता था मीन्स केमिस्ट्री लेबोरेटरी दैट वाज़ द केमिस्ट्री लेबोरेटरी तो इसमें से मुख्य कौन कौन से हैं मुख्य है दोला यंत्र स्वेदनी यंत्र पाटन यंत्र स्लाइड आगे ले जाता हूं पाटन यंत्र अधस्पतन यंत्र देखी यंत्र बालू यंत्र त्रियक पाटन यंत्र जो आप अभी चित्र में देख रहे हैं स्लाइड में देख रहे हैं दैट इज त्रियक यंत्र त्रियक पाटन यंत्र इसको देख के क्या आपको और ये श्लोक में है ये देखिए श्लोक में इसका पूरा वर्णन दिया हुआ है कि किस तरह से लंबी गर्दन से उसको आपको जोड़ना है पात्र को क्या क्या करना है इसको देख के क्या आपको कुछ अनुभूति होती है केमिस्ट्री प्रयोगशाला की रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला की वही मैं वही चीज मैं आपके दिमाग में लाना चाहता हूं आप लोग खुद शिक्षक हैं आप लोग खुद दायित्व तो वहन करते हैं लेकिन ये बातें शायद इनसे आप दूर हो ये आपके अंदर भरना चाहता हूं कि हमारे यहाँ का बहुत कुछ है जिससे हमको इंस्पायर होना है और आगे इस काम को आगे बढ़ाना है जो हमारे मूल्य हैं, उन मूल्यों को एक टीका समझ के इस खराब वातावरण को इस कलुषित वातावरण को सुधारना है और प्रत्येक लैब में इनोवेशन का काम हमको करना है तो ये स्लाइड जो आपको दिखाई दे रही है इसमें इसी तरह से किंडवन विधि से अल्कोहल का निर्माण करना किंडवन यानी कि फर्मेंटेशन जो हम डोसा बनाते हैं उसमें फर्मेंटेशन होता है तो किंडवन विधि से अल्कोहल का निर्माण किया जाता था जामुन का सिरका प्राय हर घर में बनता था आज से पचास साल पहले भी की अगर बात करें तो आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछ सकते हैं कि जामुन का सिरका बनाया जाता था तो अभी तो आजकल के बर्तनों में बनाया जाता होगा लेकिन पहले बनाने की विधि यही होती थी मटकों में ये सब लगा के पाइप लगा के जोड़ के और इस तरह से सिरके वगैरह बनाए जाते थे धातु कर्म की विधियां रसायनों की पद्धतियां सारी वेदों में वर्णित थे कुतुब मीनार के पास अगर आप कभी जाए कालीन लौह स्तंभ वहां एक लगा हुआ है जो हमारे पुराने धातु कर्म की उत्कृष्टता का एक बेहतर उदाहरण है इसमें आज तक जंग नहीं लगी यह एक अद्भुत रहस्य है लोहे में जंग ना लगे ऑक्सीडेशन ना हो लोहे का ऐसा संभव नहीं है लेकिन उसमें आज तक हजारों वर्षों से जो कहते हैं खड़ा हुआ है इस पर हमारे आईआईटी के एक प्राध्यापक थे प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम उन्होंने इस पर काफी शोध किया था आपको शायद न्यू, पुराने न्यूज चैनल्स में मिल भी जाएगा कार्यक्रमों में मिलेगा आपको लेकिन दुर्भाग्यवश अब वो हमारे बीच में नहीं है डिस्कवरी चैनल पे भी उनका पड़ा हुआ है उन्होंने काफी इस पे पुराने ढंग से शोध किया था पुराने और नए ढंग दोनों को मिलाते हुए तो इन तथ्यों के आधार पर मैं क्यों ये तथ्य बता रहा हूं क्योंकि इन तथ्यों के आधार पर हम दावा कर सकते हैं कि हमारे आधारभूत विज्ञान को ही आधार बनाकर जो हमारा ये आधारभूत विज्ञान था इसको ही आधार बनाकर आधुनिक विज्ञान का निर्माण हुआ हम हमने क्या किया हमने अपने शास्त्रों पर लाल कपड़ा लपेटा लाल कपड़ा लपेट के हमने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया हमने उसको पढ़ा नहीं उसके श्लोक हमने पढ़े नहीं कि क्या आप बता रहे हैं क्या करना है उस पर अमल करना है या नहीं करना है हमने उसके हाथ जोड़ना मतलब हम अंधविश्वास में पहुंच गए कि हाथ जोड़ लेने से सब कार्य हो जाएगा नहीं हमको तो उन ग्रंथों को उन ग्रंथों के अंदर देखना था कि इसके अंदर क्या है कितना मैथमेटिक्स है कितनी केमिस्ट्री है कितनी फिजिक्स है और कितनी मेटलर्जी इन ग्रंथों में घुसी हुई है अगर हम उसको पढ़ते तो शायद हम भी उतने ही नोबल ले जाते जितने जर्मन ले गए खैर जो भी है हमने अपने कपड़ों पर लाल कपड़ा लपेट कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने तक अपने को सीमित किया और उधर उन्हीं विदेशियों ने इसी शास्त्र निहित ज्ञान को आगे बढ़ाने का कार्य किया क्योंकि तो यही ज्ञान जब बेसिक ज्ञान जब उन तक पहुंचा तो उन्होंने उसको केमिस्ट्री को आगे बढ़ा दिया उन्होंने सोचा जब एल्कोहल बन सकता है सिरका बन सकता है तो फिर और करके देखते हैं आगे और क्या बनता है उन्होंने प्रयास किए और जो प्रयास करेगा भगवान कृष्ण स्वयं कह चुके हैं कि जो प्रयास करेगा उसको तो फल मिलेगा ही मिलेगा दे गॉट ऑल द नोबल प्राइजेस जर्मन और ले कहां से गए हमारे यहां से कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचंद कर्म किया और उनको मिल गया इसलिए उनको दोष देना जो हम लकीर पीटते हैं बहुत से लोग आपको बहुत से विद्वान हमारे देश के मिलेंगे अरे वो ऐसा हो गया वो हमारे यहां से ज्ञान ले गए हमारे ज्ञान को बढ़ा लिया ठीक है ज्ञान ले गए आपने क्या किया हमने क्या किया इसलिए यह कहना कि विदेशी ज्ञान ले गए यह सर्वथा अनुचित है मेरा यह मानना है उन्होंने कर्म किया कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेश उन्होंने कर्म किया और वो नोबल ले गए हमने अज्ञानता की और हमारे पास जो कुछ था हमने उसको भी खो दिया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है इसमें लकीर पीटने की क्या बात है कि वो ले गए वो ले नहीं गए अभी वो और ले जाएंगे अभी वो संस्कृत बहुत अच्छी बोलेंगे वो संस्कृत हमको सिखाएंगे कुछ समय के बाद में और और बहुत सारी चीजें अभी और निकालेंगे हमारे ग्रंथों में से तो तो खैर विश्व के सम्मुख अगर सीना खड़े होना है तो आज की आवश्यकताओं को समझ कर जो कि है इनोवेशन इसको हमें करना पड़ेगा आज की आवश्यकताओं को समझ कर अपने मूल्यों के साथ यानी कि इन वैज्ञानिक टीकों के साथ पुनः आगे बढ़ना होगा अपनी प्रयोगशालाओं में एक बार पुनः वातावरण निर्मित करना होगा हम सभी एक ऐसे क्षेत्र में है ऐसे परिवेश में है जिसमें अनंत संभावनाएं हैं एजुकेशन का फील्ड ही ऐसा है कि आप मरते दम तक पढ़ते रहिए आपको ज्ञान मिलता ही रहेगा कमी कहीं नहीं है ज्ञान में कोई भी ज्ञान हो संस्कृत हो आप कुरान पढ़ें आप बाइबल पढ़ें आप कुछ भी पढ़ें आप विज्ञान पढ़ें ये ऐसा अथाह है कि इसमें संतुष्टि आपको कभी नहीं होगी आप ज्ञान ज्ञान तो समुद्र है तो यह अनंत संभावनाएं यहां है स्वयं को एक छात्र समझते हुए स्वयं को एक छात्र समझते हुए लगातार अध्ययन एवं प्रयोगशालाओं में बार बार मैं कहूंगा कि प्रयोगशालाओं में इनोवेटिव अभ्यास ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे इनोवेशन हमको करना पड़ेगा घर में लैब में अगर घर में हमको बोतल दिखाई देती है प्लास्टिक की हमको उससे भी कुछ डिजाइन कर लेना चाहिए कि इससे हम कैसे कुछ आ, प्रेशर के प्रिंसिपल दिखा सकते हैं क्या मैंने कुछ बनाए हुए हैं बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल पे देखिएगा मैंने बनाई हुई चीजें मैंने एक मैजिक ग्लास बनाया हुआ है इस तरह से आप भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है और ये इन्जॉय देता है दैट और इसका एंजॉय हमें करना है यही हमारे लिए हमारी बिरादरी टेक्निकल बिरादरी के लिए यही आनंद है और यही हमारे लिए एंजॉय होना चाहिए आइए आपको अब पुनः इंस्पायर करने के लिए एक दूसरे प्रयोग की तरफ में ले चलता हूं इसमें एक लेबोरेटरी एक एक जो डेसिकेटर होता है सिंपल डेसिकेटर को मैंने लेबोरेटरीचर लो टेम्परेचर क्रायोस्टेट में कन्वर्ट किया है एंड दैट इज यूनिक इट इज इट्स काइंड ऑफ वन इन इंडिया इसमें फोर प्रॉप का अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है और ये लो टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर तक जाता है और लो टेम्परेचर पे आप फोर प्रॉप मेजरमेंट कर सकते हैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट अभी मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है मैंने स्वयं इसको बनाया है और एक पर्टिकुलरली uh, एक पीएचडी uh, स्कॉलर हमारे यहाँ है वो उस पर बहुत अच्छा सक्सेसफुल उन्होंने काम कर लिया है और हम तीन लोग मैं वो स्टूडेंट और हमारे एक प्रोफेसर ये तीनों मिलके इसके ऊपर एक पेपर अभी आने वाला है पब्लिश होने वाला है नया पेपर मेरा तो सॉरी uh, ये ये दैट इज द ट विच यू आर लुकिंग तो मैं इसकी तरफ आपको ले चलता हूं इस क्राइस्टेट की तरफ इसके लिए मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा स्टॉप शेयरिंग नो सर वॉन फाइन सर वीडियो वाज ऑल्सो रनिंग वेरी फाइन सर ओके ओके नाइस दैट इज आई एम आई एम जस्ट कंफर्मिंग बिकॉज दिस इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आई एम हियर यू आर देयर सो कम्युनिकेशन इज डेवलपिंग और नॉट बिटवीन व्हाई आई एम आस्किंग इन बिटवीन सो ये दो मैंने अभी इनोवेटिव वीडियोज दिखाए हैं अब अगर हम धर्म की बात करें अगर हमारा साइंस जिसको मैं विज्ञान कह रहा हूँ तो विश्व के समस्त धर्म हमको इंसान बनाना ही सिखाते हैं किंतु आज जो है वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। यदि हम भारतीय मूल्यों को ज्ञान को एक धर्म के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो लड़ाई खड़ी हो जाती है क्योंकि आज की परिस्थितियों में धर्म का अर्थ ही बदल गया है धर्म का कुछ मीनिंग कुछ दूसरे ही हो गए हैं तो वास्तव में अगर देखा जाए कोई भी धर्म हो कोई भी वे विज्ञान है धर्म मतलब जो हमको जीना सिखा दे जो हमको जानवर से हटा के इंसान की तरफ ले जाए वही धर्म है तो अगर हम इसको एक विज्ञान के रूप में देखें भारतीय दर्शन को तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या होगी वो सब इसको समझेंगे सब इस टीकों को समझेंगे ये टीके हैं जो हमारे यहाँ जो हमारी जो वैल्यू सिस्टम में जो बताए गए हैं श्लोक जो बोले गए हैं आर द टीका ये सिर्फ बच्चों को सिखाने के सुभाषितानी नहीं है अब मैं अपने वार्तालाप को बस थोड़ी देर में खत्म करूंगा और ये सॉरी मुझे इसको इसको मुझे पीपीटी ला रहा हूं ये जब मैंने ये जिस जो आप देख रहे हैं ये कोई भी चीज इन वंस यू कैन नॉट यू विल नॉट बी एबल टू डू पहले पहले जब मैंने इसको बनाया लो टेम्परेचर क्रायोस्टेट एक और कोई दूसरी स्टूडेंट आई थी उसके लिए बनाया तो उसमें बहुत ड्यू आ जा रहा था अंदर लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर के ऊपर एकदम पानी पानी हो जा रहा था तो मैंने सोचा सब फेल हो गया मेरा सब खर, खराब हो गया इतने में, में मेरी नजर पड़ी डेसिकेटर के ऊपर तो वी हैव टू थिंक ऑलवेज आप आ रहे हैं घर आप जा रहे हैं आपको इनोवेशन को सोचना पड़ेगा आप जिस काम में लगे हुए हैं आपको सोचना पड़ेगा रात दिन सोचना पड़ेगा कि इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कहां मैं काम कर रहा हूं उसमें क्या कर सकता हूं और जब ये प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाती है तो फिर इनोवेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं कि कैसे करेंगे डेसिकेटर दिखा तो मुझे लगा यार डेसिकेटर में तो मैं वैक्यूम भी कर सकता हूं तो यू विल नॉट गो इन साइट और आराम से मेरा काम हो जाएगा प्रॉब लगाने के लिए मैं डेसिकेटर में ऊपर छेद करके ऊपर से इसको बना दूंगा एंड देन मैं जुट गया और ये फाइनली ये बन गया और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है जो अभी निकट भविष्य में एक बहुत अच्छे पेपर में आने वाला है तो अब मैं आगे बढ़ूंगा कि आ, मैं कह रहा था कि विज्ञान के बिना मानव पशु ही है जो ये विज्ञान है जो हमारा नैतिक विज्ञान है या भारतीय मूल्य है इनके बिना पशु ही है वह केवल और ये केवल और आधारभूत विज्ञान नहीं बता रहा है हमको बल्कि जीवन को सरल और सुखद बनाने के मार्ग भी बताता है कई श्लोक ऐसे आते हैं जो हमको जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी हमारे लिए टीका साबित हो जाते हैं कि कैसे हमको रहना है अच्छा ठीक है अब आप कहेंगे कि नहीं वो दूसरे लोग तो ऐसा नहीं चलते हैं ऐसा है वैसा है वो चलने दीजिए बाकी तो जिनको जिनके पास में जिनको विद्या का दुरुपयोग करना है जिनको धन का दुरुपयोग करना है जिनको शक्ति या पद मिला हुआ है उनको दुरुपयोग करना है उनके लिए ये श्लोक है जो हमारे शास्त्रों में है उनके लिए ये मूल्य हमारे ये कहते हैं देखिए क्या कहते हैं कि विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तनाय दाना चरक्षणा विद्या विवाद का कारण है इसके लिए दुर्जनों के लिए दुर्जन और सज्जनों का व्यवहार विपरीत होता है तो उनसे कॉम्पिटिट करने का काम नहीं है कि उनने ऐसा किया वो तो ऐसे सक्सेस पा रहे हैं नहीं दुर्जनों और सज्जनों का व्यवहार हमेशा विपरीत है दुर्जनों के लिए विद्या विवाद का कारण बनती है धन मद का या घमंड का कारण बनता है और शक्ति अगर उनको शक्ति या पद मिल जाता है तो वो दूसरों को पीड़ित करते हैं दूसरों को पीड़ा देने के लिए उनके पास में शक्ति होती है ये दुर्गणों की विशेषता हमारे यहाँ भारतीय मूल्यों में बताई गई है तो ये भी हमको डिसाइड करना है कि हम इसमें कहां खड़े होते हैं और दूसरा खलस्य साधु और विपरीत में था। साधु का जो व्यवहार है वो विपरीत होता है कि वो क्या करता है वो कैसे रहता है शक्ति इसके विपरीत सज्जनों के लिए साधुओं के लिए विद्या ज्ञान का कारण बनती है धन ज्ञान धन दान का कारण बनता है मतलब अपना तो करना ही है साथ में अगर किसी की मदद भी कर सकते हैं सहायता हो सकती है तो उस धन से हम अगर योग्य हैं तो सहायता भी करते तो धन दान का कारण बनता है और शक्ति दूसरों को परेशान करने का नहीं दूसरों की रक्षा का कारण बनती है तो ये जो इतने अच्छे अच्छे जो वैज्ञानिक टीके हमारे यहाँ है इनको हमको ग्रहण ग्रहण करना होगा इनको विज्ञान स्वरूप हमको स्वीकार करना होगा तब हम जाके आगे हम बढ़ पाएंगे एक अंतिम श्लोक के साथ में खत्म कर समाप्त करूंगा ये जो श्लोक आप देख रहे हैं ये हमको बता रहा है कि काम क्रोध व लोभ ये तीनों नियंत्रण में रखने के फैक्टर्स हैं ये हमारे ग्रंथ हमको कहते हैं यानी कि ये टीका हमको लगाने के लिए ये बोला गया है ये टीका है हमारे लिए कि काम क्रोध और लोभ ये नियंत्रण में रखने वाले फैक्टर्स हैं यदि इन पे नियंत्रण न रखा गया तो ये आत्मा का नाश करके अधोगति में ले जाने वाले हैं तो जो जैसा कर रहे हैं करने दीजिए समय सबका आएगा यह आत्मा का नाश करके अधोगति में ले जाने वाले हैं इसलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए तो आइए भारतीय विज्ञान से जो किसी विशेष व्यक्ति विशेष का नहीं है बल्कि समस्त मानव समाज के लिए है इस भारतीय विशुद्ध वैज्ञानिक मूल्यों का लाभ लेते हुए स्वयं को और अपने समाज को संवर्धित करने का प्रयास करें और छत्तीसगढ़ की लैबों से छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक और तमाम जो कॉलेजेस हैं उनकी लैबों से धीरे धीरे इनोवेशन निकलना प्रारंभ हो प्रायोगिक कार्य प्रारंभ हो के साथ साथ मेथोडोलॉजी को हम ऐसा करें। मेरा एक एक और वीडियो आप देखेंगे एक care effect वीडियो बनाया है उसमें मैंने मैंने को model बना बना के के समझ पहले मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने model बना के समझा एंड इट इज ए ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है बाहर भी विदेशों में भी और इधर भी वो यूट्यूब पे मेरा चैनल पड़ा हुआ है उस पर आप उसको polarization के को उसमें देख सकते हैं उसको मॉडल से समझाए तो इस तरह से अगर हम आगे जाएंगे तो हम अपने लिए खुशी का अनुभव भी करेंगे अपनी एनर्जी अपनी ऊर्जा को भी बढ़ाएंगे और अपने समाज को अपने प्रदेश को अपने देश को कुछ देने में सक्षम भी होंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इसको अपने वार्ता को विराम देना चाहूंगा बातें करने को तो बहुत है लेकिन समय का अभाव है और मैं इन शब्दों के साथ इन शब्दों के साथ मैं अपने वार्ता को विराम दूंगा और धन्यवाद दूंगा डॉक्टर रामनारायण का आमंत्रित करने के लिए और इतनी अच्छी गतिविधियां संचालन करने के लिए धन्यवाद आपके कोई प्रश्न हो मेरे लिए मेरे लायक आप लोग गुरुजन है मैं खुद एक विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी ही रहूंगा फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर मेरे सामने रखिए मैं कोशिश करूंगा समाधान करने की i request the participants if they have any questions they may kindly ask Sir, आपके इस session की आदरणीय संजय वर्मा सर ने प्रशंसा की है सर ऊपर भी फर्स्ट स्टूडियो के बाद भी उन्होंने काफी प्रशंसा की थी सर चैट बॉक्स में और अभी भी उन्होंने लिखा है का वेरी इनोवेटिव धन्यवाद प्रोफेसर संजय वर्मा धन्यवाद सुनाथ जी मैं बहुत-बहुत आपको धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जो आपने हमारी जो विलुप्त होती जा रही है जो हमारी संस्कृति धर्म के विज्ञान के हैं उसको जी, जी, तो उसको निश्चित रूप से आपने जो स्तुतिकरण दिया है आज का ये जी तो संभाल के बचा के रखने की अत्यंत आवश्यकता है ये हम भी महसूस करते हैं जी और निश्चित रूप से जो जुड़े हुए हैं लगभग पैंतालीस पचास लोग जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से भी ये बच्चों तक बात पहुँचेगी

आपके वीडियोस की और इस सेशन की बहुत प्रशंसा की है। और कई हमारे साथी जो साथ में जुड़े हुए हैं चैट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ इस सेशन की उन्होंने काफी प्रशंसा की है सर सभी का धन्यवाद है और अगर बहुत बहुत किसी, किसी का कोई प्रश्न हो तो आ, अ, सर के लिए अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं और कुछ लोगों ने अः वीडियो के लिंक मांगे हैं आई हैव इंस्ट्रक्टेड मयंक टू काइंडली post the videos in the whatsapp group also and the uh, sir's uh, youtube channel link also in the whatsapp group so that uh, our participants may be benefited. Aapko bhej dunga. I, will, I will send you and then you can share uh, after the program. Uh, yes. after no, so i program. have already, i have sir. okay. okay. Uh, ashish pandey, sir, can we mute? yes, sir, please. ashish, sir, go ahead, sir. Please. thank thank you so much, sir. Sir, this is from श्लोक और हमारे विज्ञान से संबंधित बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत है तो सर okay. ऐसा है कि हमारे उपनिषद शास्त्र बहुत सारे हैं तो सभी से विज्ञान वाले श्लोक निकाल के क्या उनका okay. संकलन करके किताब ऐसा बनाना चाहिए जिससे आसानी से लोग उसको जान सके सर बहुत सुंदर आपका प्रश्न है मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों की हमारी एक टीम बने जैसे आपने इसमें इंटरेस्ट लिया और आ, आपको लगता होगा कि आईआईटी में सिर्फ प्रौद्योगिकी होती है आईआईटी में सारे ग्रंथों को हमारे आईआईटी ने समाहित करके रखा हुआ है अगर आप आईआईटी कानपुर की साइट पे जाएंगे तो सारे उपनिषद वेद सारे हमारे आ गए हैं और यहाँ विद्या भारती करके जो संस्थान है देश का वो यहाँ आई के साथ कोलेबोरेट करके और संस्कृत के यहाँ पाठ्यक्रम भी चला रहा है वहीं से मैंने दो दीक्षाएं करी हुई है मैं तो बल्कि सबको कहूंगा कि सारे विद्यालयों को विद्या भारती के साथ में संस्कृत भारती के साथ में जुड़ करके और बड़े छोटे छोटे उनके सेशन होते हैं वीक में दो दिन की क्लास होती है और जब आप जुड़ेंगे संस्कृत से मैंने जैसा अनुभव किया कि एक अलग ही ऊर्जा है वहां पे क्योंकि वो भाषा अपने आप में ऐसी है कि जब हम उसको बोलना उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं मैं ये नहीं कहूंगा उससे कोई भी जुड़ सकता है उसमें जाति धर्म या कोई कोई चीज आड़े नहीं आती दैट इज साइंस

आई आई टी कानपुर बीटे के स्टूडेंट्स एम स्टूडेंट्स भी जा रहे थे संस्कृत और और तो एक इतना अच्छा वहाँ पे समय इतना अच्छा माहौल वहाँ बन रहा था सब वहाँ मिलकर संस्कृत सीख रहे थे और एक अच्छा वातावरण बन रहा था दैट गिट्स टू मच एनर्जी मैंने ये फील किया और हम जो गलत डायरेक्शन में जो जाते हैं वहां से हमको एक दिशा मिलने लगती है कि हम कहा जा रहे हैं हमें कहा जाना चाहिए और आप सही कह रहे हैं कि इनमें बहुत सारा जो ऐसे श्लोक है जिनमें साइंस है टेक्नोलॉजी है तो हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे आप संपर्क में रहिए हम लोग एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे और हम लोग इस पर धीरे 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 कुछ काम करना शुरू करेंगे अभी कुछ प्रोफेसर के साथ में मेरी चर्चा चल रही है यहाँ पे तो जो भी ऐसा संभावना होगी मैं आपको जरूर कांटेक्ट में आपको मैं शेयर करूंगा थैंक यू सो मच सर Okay. सर राज देशमुख सर हमारे एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक से हैं उनका रिक्वेस्ट आया है कि आपका ईमेल आईडी कृपया शेयर कर देंगे तो देशमुख सर सर का ईमेल आईडी मैं आपको ग्रुप में या पर्सनली आपको दे दूंगा मैं ग्रुप में इनफैक्ट शेयर कर दूंगा जिसको भी लाभान्वित होना है वो हो पाएंगे ओके सर थैंक यू वेरी मच सर जी 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 ओके थैंक यू धन्यवाद तो uh, किसी का कोई एनी पार्टिसिपेंट अदर क्वेश्चन फ्रॉम रिस्पेक्टेड सर ओके सर आई थिंक अगर मेरे पास में डॉक्टर थॉमस इफ इफ आई है आपने आपने एक बात और बोली थी कि मैं हिंदी के लिए भी थोड़ा लिखता पढ़ता रहता हूं बिल्कुल तो मैं एक एक इंस्पिरेशन और देना चाहूंगा एक दर्शन है एक साइकोलॉजी है भाषा को लेके मेरे पास इट विल टेक आई थिंक फाइव मिनट इफ यू हैव सम टाइम यस यस सर सर नॉट तो साइकोलॉजी ये है कि छत्तीसगढ़ के सारे कॉलेजेस एकदम से इनोवेशन प्रारंभ कर देते हैं तरह तरह की चीजें बन के निकलती हैं नए नए आविष्कार होते हैं क्या होगा उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र से गुजरात से सब लोग जुटना शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ ट्रेनें पकड़ेंगे और छत्तीसगढ़ रायपुर में उतरेंगे फिर वो कॉलेजों में जाएंगे तो वहां उनको रिक्शा वाला मिलेगा उनको टैक्सी मिलेगी वो सब छत्तीसगढ़ी में बात करेंगे जब वो छत्तीसगढ़ी में बात करेंगे तो वो जो सीखने वाले जाएंगे वो छत्तीसगढ़ी को सीखेंगे और वो जब आपके कॉलेज में पहुंचेंगे कि आपने ये कैसे बनाया मोला के भी सिखायल मोला भी सिखाएल तो वो क्या होगा वो भाषा को सीखेंगे तो भाषा हमारी जो संस्कृत जैसी महान और इतनी साइंटिफिक भाषा थी वो भाषा क्यों लुप्त हो गई और अंग्रेजी क्यों आ गई कारण सिर्फ एक है कि जब अंग्रेज आए ब्रिटिशर्स आए तो वो अपने साथ में एक चकाचौंध लाए इतने सारे कारखाने लाए इतना सारा विज्ञान लाए इतनी सारी प्रौद्योगिकी लाए सबसे पहले तो बंदूक और बारूद लाए ताकत लाए तो ताकत के दम पे जब उन्होंने सब कुछ विजिट कर लिया और फिर फैक्ट्रियां लगा के कारखाने लगा के अपना विज्ञान दिखा के उसकी चकाचौंध हम लोगों को दिखा के तो हम लोगों को लगा कि अरे हमारा विज्ञान हमारी भाषा ये तो कुछ भी नहीं है हम इन्फीरियर हो गए इन्फीरियरिटी फील करने लगे और हमको ये लगने लगा कि यार अंग्रेजी ही सब कुछ है और अंग्रेजी सीखो अंग्रेजी की तरफ बढ़ो अंग्रेजी में सब कुछ जबकि वो अंग्रेजी भाषा हमारी ही संस्कृत का अपभ्रंश है अभी अभी मैंने सिद्ध किया बहुत से उदाहरण से और भी बहुत से उदाहरण है मैं हिंदी के ट्रांसलेशन करता रहता हूँ बहुत से नए शब्द इंट्रोड्यूस करता हूँ उसमें बहुत तमाम शब्द आते हैं हैं जो संस्कृत से निकलते हैं, अंग्रेजी के तो खैर तो वो अंग्रेजी ऐसे ताकत बन के आ गई चूंकि उसकी तरफ हम चकाचोन से आकर्षित हो गए क्यों हो गए चूंकि वो इनोवेटिव थे उन्होंने हमारे ही विज्ञान को तेजी से आगे बढ़ाया कारखानों में उन्होंने तेजी से मेहनत करी दे वर्क वेरी हार्ड मैं उनकी तारीफ करूंगा उन्होंने इतना काम किया कि उन्होंने अपनी आधी अधूरी भाषा को पूरे दुनिया में फेंक दिया उसी पर मेरी ये फिलोसफी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भाषाओं के सम्मेलन में सम्मेलन में अंग्रेजी भाषाओं के में अंग्रेजी इठलाई बोली सुई से जहाज तक मैंने सारी चीजें बनाई देखिएगा दर्शन है बोली सुई से जहाज तक मैंने सारी चीजें बनाई और दुनिया की साम्राज्ञी कहलाई गर्व से बोली अंग्रेजी गर्व से बोली अंग्रेजी जस्ट उन्हें गर्व से बोली अंग्रेजी मेरा लोहा तुम सभी मानो गर्व से बोली अंग्रेजी मेरा लोहा तुम सभी मानो तभी खैर अपनी जानो जर्मन को क्रोध आया देखिए जर्मन ने बहुत से नोबल प्राइज कलेक्ट किए हैं जर्मन को क्रोध आया स्वाभिमानी है जर्मन जर्मन को क्रोध आया भड़क कर बोली मैंने कभी ना की तेरी गुलामी मैं हमेशा रही स्वाभिमानी बोली एटम बम का गणित मैंने ही बनाया री इंग्लिश ज्यादा ना इतरा लगता है तेरा अंत करीब आया री इंग्लिश ज्यादा ना इतरा लगता है तेरा अंत करीब आया जापानी आगे आई अब जब सब सम्मेलन में सभी भाषाएं बैठी हुई थी जापानी आगे आई थोड़ा लजाई थोड़ा सा कुछ आई बोली नागासाकी हिरोशिमा के बाद मैंने भी अपनी ताकत खूब बढ़ाई जब उनके साथ में कांड हुआ तो वो संभल गए उनने कर्म क्षेत्र में कर्मण्य वादिका रस्ते वहां का बच्चा बच्चा पूरा परिवार सब जुट गए कि नहीं अपने देश को बचाना है इन्होंने परमाणु बम से हमला किया है और देशभक्ति ने उनको कहां से कहां ले जाके खड़ा कर दिया बोली नागासाकी हिरोशिमा के बाद मैंने भी अपनी ताकत खूब बढ़ाई अब नहीं कर सकता कोई मनमानी और मैं भी हूं अपने क्षेत्र की रानी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर चिप की कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर चिप की तकनीक अगर हो पानी तो तुम्हें सीखनी होगी जापानी आओ हमारे जापान में जब हम तुमको बताएंगे जब तुम आओगे तो जापानी सीख के जाओगे वही मैं बोल रहा था कि जब छत्तीसगढ़ लोग आएंगे तो छत्तीसगढ़ी सीख के जाएंगे तो तुम्हें सीखनी होगी जापानी अगर माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर चिप की तकनीक अगर हो तुमको पानी तभी तभी किसी ने हिंदी को उकसाया यहां बेसिकली संस्कृत है लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा हिंदी कर दिया है तभी किसी ने हिंदी को उकसाया कि क्या है तेरी माया इंग्लिश बीच में ही बोल पड़ी इंग्लिश बीच में ही बोल पड़ी अरे ये क्या कहेगी ये तो हो चुकी जर्जर इसकी अपनी कोई तकनीक नहीं ये तो है हम पर ही निर्भर इसका अब नहीं रहा मान इसका अब नहीं रहा मान और ये तो इंग्लिश बोलने में ही समझती अपनी शान इंग्लिश बोली इंग्लिश बोली इसके घर तो अब मेरा ही बोलबाला है इंग्लिश बोली इसके घर तो अब मेरा ही बोलबाला है और इसका भविष्य तो नेतांत काला है और इसका भविष्य तो नेतांत काला है सोचिए कितना बुरा लगा हिंदी को संस्कृत को कितना बुरा लगा होगा उस सम्मेलन में कल्पना करिए जरा सभी ने किया इंग्लिश का समर्थन सभी ने किया इंग्लिश का समर्थन और उस सम्मेलन में व्यथित हुआ हिंदी का अंतर्मन और उस सम्मेलन में व्यथित हुआ हिंदी का अंतर्मन हिंदी सोच रही है और कोस रही है हिंदी सोच रही है अब यहां संस्कृत बोल देता हूं संस्कृत सोच रही है और कोस रही है उस अकर्मण्यता को उस अशिक्षा को और उस भ्रष्टाचार को जिसने उसके रक्त को कर दिया है प्रदूषित और उसके सौंदर्य प्रतिभा और पुरातन समृद्ध वैभव को जिसने कर लिया है अवशोषित हिंदी बोली हिंदी बोली जर्जर नहीं लाचार नहीं मैं अक्षर अविनाशक हूं हिंदी बोली जर्जर जर नहीं लाचार नहीं मैं अक्षर अविनाशक हूं विध्वंस की नहीं शांति की उपासक हूं जब पाश्चात्य के अंधानुकरण में जब पाश्चात्य के अंधानुकरण में तुमको हो तरह तरह के रोग तो कर लेना हमारे प्राचीन पतंजलि योग याद करो उस काल को याद करो उस काल को जब अशोक ने शांति की शिक्षा चारों ओर फैलाई थी याद करो उस काल को जब अशोक ने शांति की शिक्षा चारों ओर फैलाई थी और कर्ण और और सभी ने कर्मण्येवाधिकारस्ते रस्ते की दीक्षा यही पाई थी और सभी ने कर्मण्येवाधिकारस्ते रस्ते की दीक्षा यही पाई थी सम्मेलन के तानों से व्यथित हिंदी ने हुंकारा लगाया सम्मेलन के तानों से व्यथित हिंदी ने हुंकारा लगाया अरे दम्भियों जो भी तुमने बनाया अरे दम्भियों जो कुछ भी तुमने बनाया वह सब है परम शून्य में समाया अरे दम्भियों जो कुछ भी तुमने है बनाया वह सब है परम शून्य में समाया और याद रखो ये शून्य हिंदी ने ही बनाया और याद रखो ये शून्य हिंदी ने ही बनाया आर्यभट्ट की देन थी शून्य अंधेरा अब छटने को है अंधेरा अब छटने को है और सतत निर्माण को आतुर है यह हिंदी अंधेरा अब छठने को है अंतिम पंक्ति पंक्तियां है अंधेरा अब छठने को है और सतत निर्माण को आतुर है यह हिंदी धैर्य रखो आने वाले समय में देश ही नहीं बल्कि विश्व के ललाट पर चमकेगी यह बिंदी विश्व के ललाट पर चमकेगी यह बिंदी सम्मेलन में तब गहरा मौन था छाया सम्मेलन में तब गहरा मौन था छाया और सभी ने हिंदी का जयकारा लगाया और सभी ने हिंदी का जयकारा लगाया बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए इतनी देर बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत अच्छी और सुंदर कविता आपने लिखी सर काफी एकदम गुड़ अर्थ के साथ में और हम लोग तब संस्कृत के ऊपर ध्यान देते हैं सर जब विदेशी एमआईटी के प्रोफेसर अब राम नॉम पहले की बोलते हैं हरेक शब्द के अंदर धातु है नीचे अगर उसका अर्थ जानना है और अगर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की कोडिंग अगर संस्कृत में होगी तो और वो ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तब हम लोगों का ध्यान तो वापस जाता है कि हम लोगों ने जिस चीज को छोड़ दिया तो उस चीज को इतना बड़ा भाषा शास्त्री जो कह रहे हैं नाम चॉम्स की तो तब हम लोग उस पर पुनः आकर्षित होते हैं और फिर उसके ऊपर तो काम चालू करते हैं मुझे ऐसा लगता है सर कि टुडे योर सेशन वाज एक्सट्रीमली एंड वी हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम यू सर एंड आई एम श्योर दैट आवर कैंडिडेट्स आवर पार्टिसिपेंट्स हु वांट टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम रिस्पेक्टेड नायक सर वुड बी इन टच विथ सर मैंने सर uh, के साथ में इन दिनों कई संवाद हुए सर हमेशा यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और हम सब भी लोग हैं हम की हमारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है आप सर से संपर्क कर सकते हैं सर उसको जितना उनके समय उनको वो अलाउ करेगा सर आपके प्रश्नों का और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हैं मैं सी एस भिलाई की ओर से विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय अंबिकापुर की ओर से सारे ऑर्गेनाइजर्स की ओर से आदरणीय सोमनाथ डिनायक सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और द द नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन विल बिगिन शार्प एट स्पीकर इज डॉक्टर सतसीबा दास फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट रायपुर एंड वी विल बिगिन मिनट्स प्रायर टू थ्री ओ क्लॉक आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू काइंडली काइंडलीफ्टी पी एम अगेन